नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टंकी के बेस के बारे में, जो काफ़ी ईटी वगैरह को मनाना पड़ता है, काफ़ी लोहे का स्टैंड वगैरह मनाना पड़ता है। उस जगह हम लगाएंगे प्लास्टिक का बेस, जो इको कंपनी का है, इको बेस कंपनी, जो हिमगिरी का प्रोडक्ट है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मार्केट में ये काफ़ी अलग अलग मिल जाएगा। आप मुझे अपना मैसेज भी डाल सकते हो, आपको अगर मुझसे बाय करना हो। इस प्रकार सेकंड मंजिल पर हम ये बेस लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो गाइस, इंस्टॉलेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि जहाँ ईंटों रेत कारीगर की आवश्यकता होती है, अगर सीमेंट वाला बनाए, अगर लोहे वाला बनाए तो उसमें भी कारीगर लोहे की आवश्यकता होती है, मिस्त्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये डिफरेंट साइज में आपको अवेलेबल मिलता है। ये 1000 लीटर की टंकी का है। आप इस पर कॉल करके आपको जितने बेस चाहिए वो मिल सकते हैं। क्विक इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है गाइस। ये देखिए, इंस्टॉलेशन आपको 6 से 7 इंची का स्पेस मिल जाएगा। अगर नीचे पानी में गिरता है तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है कि आपको पानी भी निकल जाएगा। सीमेंट के बेस में क्या होता है, पानी झरता रहता है टंकी में, जिससे क्या होता है कि वहाँ पानी मरता रहता है, और जिससे कि सीलन वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है। इसमें सीलन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखिए, 6.5-7 इंची का हमें हाइट मिल चुकी है, बेस मिल चुका है एक, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अगर टंकी ज़मीन पर रहती तो टंकी फटने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे आप देख रहे हो। अगर हम इस प्रकार टंकी रख सकते हैं इस पर आसानी से, इस प्रकार हमारा टंकी इंस्टॉलेशन काफ़ी हो चुका है इसका, इको बेस का। अब हमें पाइप फिटिंग करनी है डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी टंकी जिस जगह सेट करना है उसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारी लाइन थोड़ी दूर है, वो सामने जो 4 इंची पाइप दिख रहा है वहाँ, अभी इस पर छेद कर देंगे। और छेद करके गाइस, ये देखिए टंकी अंदर से हाइट बढ़ चुकी है, और यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे इसका अभी पाइप में, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिक्स हो जाएगी टंकी। जब भी हटानी है, ये बेस भी हट सकता है, और आप इंस्टॉलेशन भी आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए इस बेस का। गाइस, ऐसी और अच्छी वीडियो जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करना ना भूलें। और इसके बारे में आगे देखते रहिए गाइस। इसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ, इसकी अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हो तो आपको नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डीलरशिप ले सकते हो, और आपको अलग अलग प्राइस, अलग अलग रेंज में आपको ये मिल जाएगा। डीलरशिप आपके एरिया में कहीं से भी हो, इंडिया में आपको इसकी डीलरशिप आसानी से मिल जाएगी। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करिए, डीलरशिप के बारे में पूछिए। और गाइस, आपको बता दूँ, ये ऑनलाइन भी मिलता है, जिसपे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अमेजोन पे जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। और बात करूँ कि टैंक की प्राइस में मिलता है आपको, जैसे 500 लीटर का टैंक है और आपको 2000 का ये मिल रहा है, तो आप 2000 में सोचिए। आप सारी चीज़ें देखिए, आपकी घर की जो छत है, छत में आपको कहीं सीलन की आवश्यकता नहीं, सीलन नहीं पड़ेगी, वहाँ आपके 50,000 रुपये बच सकते हैं, क्योंकि 2000 के रुपये में आपको 50,000 सीलन, छत की सीलन की वजह से पूरे घर में सीलन आ जाती है, फिर सीलन का इलाज नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को मैं लाया हूँ आपके लिए, तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग चीज़ लगी मुझे, और आप इसे आसानी से खरीद सकते हो।